ये अब दान पूरा करने का जवाब मिल जाएगा। मैं ये कहना नहीं चाहता था लेकिन क्योंकि वो मेरे अपने अजीज हैं करीबी, तो इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया है। लेकिन मेरे अपने ख्याल तो सम्राट किसी भी फिर का ये प्रस्ताव नहीं है। ये मैं बता बहुत वहाँ से पहले प्रवेश भी दरखास्त करूँगा वो वाली शेड देना चाह रहे हैं खेल में एक अलार्म भी नोट कर रहे हैं जो हमारी नेक्स्ट मंथली सीरियल की शिस्त है वो कुरान और साइंस के मौजूद है और 29 अप्रैल को है, लेकिन वो होगी असर नमाज के बाद 5:30 बजे और उसको उसके मुकर्रर हैं अब्दुल सलाम आरिफ साहब जो DOC से आते हैं। ब्रिगेड साहब आज उनको कमेंट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अरमान भाई मुझे शेर याद आ गया साथी का, कहते हैं हमें कबीला यमन आलमान दीन गुदान, हमें कबीला यमन आलमान दीन गुदान बड़ा मौल में इसके तू शायद किया हो। हमारा सारा जो कबीला था वो आलमान दीन का था, लेकिन मुझे तेरे इश्क महबूब ने शायद सिखा दी, इसलिए हमें कबीला यमन आलमान दीन गुदान मरा मौल ने मुझे तेरे इसके उस्ताद ने शायरी दिखा दी। तो जहाँ तक ताल्लुक है मैंने सलमान का कहा है सलमान फारसी का, तो इस्लाम के साथ ताल्लुक है। तो जहाँ तक मेरे ससुराल हैं कि खाबर पूनम पाए ताय भट, ये मेरे ससुराल हैं, तो दोनों तो मैंने कहा दोनों तो लोग मैं आपको बता दूँ अगर आप कुछ कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें सिर्फ ये मैं कहूँगा कि ये मरकज जब बनाया गया तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि ये ख्वाजा खुर्रम और सावर भाई के वालिद साहब अनवर ख्वाजा उनका बहुत ज़्यादा इसमें ताउन था, बल्कि आज भी ये हॉल का नाम भी प्रोफेसर ने उनके नाम पे लिखा है। पर हाल फिर भी जैसे सर सैयद ने आगाज किया वो उसका सर सैयद जो है यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और घास फूस की एक कुटिया से, तो यकीन मानिए मैं कुछ पुराने साथियों में हूँ, प्रोफेसर जब्बार साहब का अगर नाम आप ना लें तो ये थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की, ख्वाजा अनवर साहब के साथ दिया, इसमें प्रोफेसर जुवेद अमीन साहब के साथ दिया और लोगों ने, और ख्वाजा जकाउद्दीन जो अभी कुछ देर हुई हमसे अलहदा हुए, यकीन मानिए कि उसके बाद जो आबादकारी है उसमें भी उनका बहुत बड़ा साथ है। इस मरकज के सर सैयद वो अब्दुल जब्बार प्रोफेसर साहब हैं, अल्लाह उनकी रूह को अच्छे मुकाम में रखे। आज देख लें कि ये लाहौर से भी कदरे इंशाअल्लाह ये अदारा बढ़ता जा रहा है, अलामा इकबाल के इनकलाबी फिक्र को लेके आगे जा रहा है। और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का दरवाज़ा हजरत अली हैं, तो नो डाउट कि जो हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को सीखना चाहता है तो एक खूबसूरत आज का दरवाज़ा वो अलामा इकबाल है। मैं आखिर में सिर्फ शुक्रिया इसलिए किस किस का अदा करूँ, आज तो ऐसी हस्तियाँ आई है जो कभी भी आई,
माननीय डॉक्टर साहब भी बैठे हैं, गांधी साहब भी आ जाएंगे, कुरैशी साहब भी, अकबर साहब भी, मैं अब खान साहब भी बैठे हैं, इधर ब्रिगेडियर अहमद नवाज आप देखेंगे इन यूनिफॉर्म, बस इनका ये हाफ़िज़े कुरान भी है और इनका हमारे साथ ऐसे ही तल्लुक है जैसे भाइयों जैसा। और ख्वाजा ज़काउद्दीन की जगह जो अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है वो ख्वाजा मसूद साहब को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है और खाबर भाई हमारे सरपरस्त आला हैं। उम्मीद है कि ये मरकज इंशाल्लाह अपने मंजिल की तरफ गामजन है। और आखिर में मैं यही कहूँगा, जैसे सीरत रसूल के साथ तल्लुक अल्लामा इकबाल का है, इसी तरह सियालकोट में इस अल्लामा इकबाल का तल्लुक हमारे थिंकर बोर्ड का है, तो अल्लाह ताला इनको भी जगा दे कि इंशाअल्लाह हम जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि नुस्खा क्या है, यकीन मानिए कि ये मरकज जिस तरह काम कर रहा है, यहाँ हर किस्म की जो करेक्टर बिल्डिंग की बात है उसको भी हम साथ लेके चल रहे हैं। जो बार बार ब्रिगेडियर साहब ने आयत रबानी पढ़ी तस्किया नफ्स, वो हमारा गोल है और जल्दी ही आप देखेंगे कि हम पूरे शहर के जो स्टूडेंट्स हैं और तालिब इल्म हैं उनको इस दायरे में लाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो पाकिस्तान हमें हासिल हो सके जिसकी ख्वाहिश की गई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। आखिर में ज़रा दुआ कर लें, या अल्लाह इस अदारे को परवरदिगार जो कि आपके महबूब के नाम से है, जो मरकज़ हदायत हैं, खुदा को भी मिलना है तो रसूल पाक की तरफ आना पड़ेगा। दुनिया के हर मसले की तरफ अगर आप हल निकालेंगे तो वो सिर्फ और सीरत नबी में भी है। और उसमें एक शेर है वो हमारे भाई ने बताया हुआ है, वो यही है कि आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, कहकरे अमल बनकर तो गैब की सभा होगा। ये अमल ही चीज़ है खुदा के लिए। अब ये करप्शन को ख़त्म करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम कर लें, इसी में हमारी वफा है। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़े ही मुहम्मदिन आलिही व सहाबी। इसके बाद फौरन इनके जमात है 1:30 बजे पहुँचे। सर मैंने किसी को कह दें, मैं ज़रा ये क्लोज करूँगा।